हेलो फ्रेंड, आप सबका इस चैनल में वेलकम है। आज की इस वीडियो में अब आप लोग एडसन अकाउंट में लॉगिन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल एप्लीकेशन या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना आएगा और उसमें आपको लिखना है एडसन और फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको एडसन सेलेक्ट कर लेना आएगा और एडसन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा और इसमें आपको स्टार्ट का ऑप्शन लिखा होगा। आपको ये स्टार्ट कर लेना आएगा और स्टार्ट करने के बाद आपने जिस ईमेल से एडसन बनाया होगा वो ईमेल आपको इधर से सेलेक्ट कर लेना आएगा इस तरीके से। और सेलेक्ट करने के बाद फिर ये आप देख सकते हैं कंटिन्यू लिखा होगा, आपको अब कंटिन्यू कर लेना है। और कंटिन्यू करने के बाद अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आपको वो वेबसाइट का लिंक इधर ऐड करना है और अगर नहीं ना तो आपको ऐड ऑन कर देना है। और फिर ये यस और नो का ऑप्शन आएगा मैसेज के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, तो आपको यस कर देना है और फिर आपको ये ओके कर लेना है। और ओके करने के बाद ये आप देख सकते होंगे कि ये एडसन ओपन हो चुका है और इस तरीके से आप लोग भी एडसन में लॉगिन कर पाएंगे। और साइड में ये आप देख सकते होंगे कि एक नोटिफिकेशन आया हुआ आएगा, ये मैसेज आएगा, इसको जब आप ओके करेंगे तो ये आप देख सकते होंगे मैनेज टैक्स इन्फो लिखा होगा। आपको मैनेज टैक्स इन्फो में आपको टैक्स की इन्फॉर्मेशन लिखना है। अब हम ये थ्री लाइन को ओके करेंगे और ये आप देख सकते होंगे एडसन यूट्यूब लिखा होगा, इसको ओके किया। और इसको ओके करने के बाद ये आप देख सकते होंगे कि ये एडसन अकाउंट यूट्यूब से लिंक हो चुका है। अब हम जाएंगे पेमेंट में और पेमेंट को ओके किया। पेमेंट को ओके करने के बाद ये आप देख सकते होंगे अभी वेरीफाई का ऑप्शन आया नहीं है, क्योंकि जब $10 हो जाएंगे तो फिर वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं अब हम इसको सेटिंग में जाएंगे, अकाउंट की सेटिंग में जाएंगे। और सेटिंग में जाने के बाद फिर ये आप देख सकते होंगे कि ये यूट्यूब की जो एडसन अकाउंट की पब्लिशर आईडी हैगी वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। और ये आप अपने यूट्यूब चैनल में भी चेक कर सकते होंगे कि सेम टू सेम है तो ठीक है। और इस तरीके से आप लोग भी एडसन में अकाउंट जब बन जाएगा फिर आपको भी इस तरीके से लॉगिन कर लेना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।